तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रेडमी 13C 5G का पैटर्न लॉक कैसे तोड़ते हैं। पैटर्न लॉक तोड़ना बहुत ही आसान है, घर बैठे ही आप अपने हाथों से इसका पैटर्न लॉक, पिन लॉक, फेस लॉक, कोई भी लॉक लगाया रहेगा आप आसानी से तोड़ सकते हो। किसी दुकान पर जाने की जरूरत नहीं है, ना तो आपको एक रुपये देने की जरूरत है। तो चलिए आपको पैटर्न लॉक कैसे तोड़ते हैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। अभी तक हमारे वीडियो को आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ एक लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा अगर आपका पैटर्न लॉक या पिन लॉक, फेस लॉक क्या टूट जाता है। तो चलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल को स्विच ऑफ यानी पावर ऑफ करना है। पावर ऑफ करने के लिए आपको यहाँ पर देखेंगे तीन बटन दिखेगी आपको, ऊपर वाली बटन और पावर बटन, दोनों बटन को ऐसे एक साथ दाबेंगे। इसके बाद आपको ऊपर पावर ऑफ का ऑप्शन आ जाएगा, आपको इसे ऊपर स्क्रॉल कर देंगे तो मोबाइल जो है पावर ऑफ हो जाएगी। पावर ऑफ होने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर आपको तीन बटन दोबारा दिखेगी आपको, पावर बटन और ऊपर वाले बटन, आपको दोनों बटन को एक साथ दबा करके रखना है। चलिए देखिए, आपको ऊपर वाले बटन और पावर बटन दोनों बटन को एक साथ ऐसे दाबेंगे, एक साथ दबा करके रखे रहेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर स्क्रीन में जब लाइट आ जाएगी तो आपको इसको छोड़ देना है और पावर इस वॉल्यूम अप बटन को पकड़ के रखना है, ठीक है। जब यहाँ पर देखेंगे मेनू को ऑप्शन आ जाएगा, आपको इसको बटन को छोड़ देना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे दूसरे नंबर पर है वाइप डाटा, आपको जिससे बात धीम करते हैं उस बटन से आपको नीचे लाना है। इसके बाद आपको दोबारा पावर बटन को दबा देनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर देखेंगे वाइप ऑल डाटा, आपको दोबारा पावर मतलब डाउन बटन से आपको नीचे लाना है। इसके बाद दोबारा आपको पावर बटन को दबा देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर कैंसिल का ऑप्शन दिख जाएगा और कंफर्म का ऑप्शन दिख जाएगा, जिससे बात धीम करते हैं उस बटन से आपको नीचे लाना है, दोबारा आपको पावर बटन को दबा देना है। इसके बाद आपका जो पैटर्न लॉक, फेस लॉक, कोई भी लॉक लगा रहेगा सब टूट जाएगा। अब इसको कैसे सेटअप करते हैं तो आपको चलिए मैं आपको आगे बताते हैं। तो यहाँ पर आपको पावर बटन को दोबारा दबाना है, इसके बाद आपको रिबूट पर मतलब दोबारा पावर बटन को दबा करके रिबूट टू सिस्टम पर दोबारा आपको पावर बटन को दबा देना है। इसके बाद आपकी मोबाइल जो है रिबूट होके इसके बाद ओपन होगी। इसमें रिबूट होने में आपका 2 मिनट का टाइम लगता है, आपको वेट करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। इसके बाद इसको ओपन होने दीजिए। इसके बाद इस मोबाइल को कैसे सेटअप करते हैं यानी कैसे आगे करते हैं स्टेप बाय स्टेप उसको मैं आपको बताऊँगा पूरा सही तरीका, ठीक है। तो चलिए इसको ओपन होने दीजिए, तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक करके और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका 1 रुपये लग नहीं रहा है, आपको मैं अगर जानकारी दे रहा हूँ तो आपका फ़र्ज बनता है हमारे वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, ठीक है। प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा ताकि हम मोटिवेट हो जाएँ। तो चलिए इसको ओपन होने दीजिए, इसमें 2 मिनट का टाइम लगता है। तो चलिए देखिए, हमारी मोबाइल जो है रीसेट होकर कंप्लीट हो चुकी है। इसको आप कैसे सेटअप करते हैं उसको मैं आपको बताता हूँ।
उसको बताने से पहले आपसे एक बात और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, इसमें रीसेट करने के बाद इसमें गूगल अकाउंट किसी किसी मोबाइल में मांगने लगता है, तो वो आपको मैं एक वीडियो और बनाया हूँ उसको आपको कैसे सही करना है उसको मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे मान लीजिए हमारी ये वीडियो देख रहे हो, यहाँ पर एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ, जैसे हमारी ये वीडियो चल रही है तो उसके नीचे यहाँ पर दिख जाएगा आपका मोर का ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे MORE मोर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको दोबारा मोर पर क्लिक कर देना है, आपको यहाँ पर ऊपर दिख जाएगा ऐसा लिंक, आपको YouTube का वीडियो का लिंक दिखेगा, आपको उस पर क्लिक कर देंगे तो आपका दूसरा वीडियो ओपन हो जाएगा, उस वीडियो को देख करके अपना गूगल अकाउंट बाईपास करेंगे। तो चलिए आपको इसको सेटअप कैसे करते हैं आगे मैं आपको बताता हूँ। आपको इस पर क्लिक कर देना है, इस पर क्लिक कर देना है, इस पर क्लिक कर देना है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पर थोड़ा लोडिंग लेगी, लोडिंग लेने के बाद आपको इस पर क्लिक कर देना है, इसके बाद इस एरो पर क्लिक कर देना है, स्किप करना है, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे अब यहाँ पर कहीं पर इस पर क्लिक करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है, इसमें ईमेल आनी यानी गूगल अकाउंट मांग रहा है, तो इसको आपको कैसे सही करना है मैं इस मोबाइल में बताया हूँ, एक बार दोबारा आपको फिर से बता देते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारी ये वीडियो चल रही है, उसके नीचे यहाँ पर दिखेगा टाइटल, नीचे दिखेगा मोर का ऑप्शन, आपको मोर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, दोबारा मोर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, दोबारा जब मोर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपको ऐसा लिंक दिखेगा, यूट्यूब का लिंक दिखेगा, आपको उस पर क्लिक कर देंगे तो दूसरी वीडियो हमारी ओपन होगी, उस वीडियो को देख करके ये अपना मोबाइल जो इसमें FRP लॉक यानी गूगल अकाउंट मांग रहा है उसको आप सही कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।